अच्छा, पहले हमने डिस्कस कर दिया था ब्रेकियो मोटर जो न्यूक्लियस की जो नर्व थी उसकी ब्रांच डिस्कस कर ली थी। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस जो कि लैक्रिमल और सब जो सलाइवेटरी फाइबर्स है वो लेके आते हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा यहाँ पे ऐसे बनाऊँ और यहाँ पे ऐसे, एक मिनट, यहाँ पे मैक्सिला, ठीक है, और यहाँ पे हम टी को पलटाएं, फोसा बना देती हूँ। ठीक है, बस इट्स काइंड ऑफ अ रफ स्केच के एक आइडिया हो जाए टी को पलटाएं फोसा। अच्छा, हमने ब्रेकियो मोटर फाइबर डिस्कस करे थे, अब हम सलाइवेट्री जो है डिस्कस करते हैं। सलाइवेट्री के जो है यहाँ पे ये मिडिल ईयर है और जिसकी वॉल है मीन कि एंटीरियर वॉल होगी, वो सारी पुरानी चीज़ें, सही है। अब यहाँ पे हमें पता है सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से पैरासिम्पेथेटिक फाइबर्स आते हैं। ठीक है, वही सेम कहानी है कि यहाँ पे जो इंटरनल एक्विस्टिक मीटस है उससे फाइबर्स आएंगे। ठीक है, और फिर जाके ये जेनिकुलेट गैंग्लियन में इसमें रिले नहीं करेंगे, क्योंकि हेड एंड नेक की एक बात याद रखना है कि जो चार सिर्फ पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लियन है हेड एंड नेक के जो कि इंपॉर्टेंट है, एक तो सिलेरी है, ऑर्टिक है, सब मैंडिबुलर है और टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन है। ये चार गैंग्लियन है जिसपे जो पैरासिम्पेथेटिक फाइबर्स हैं क्रैनियल नर्व के वो रिले करते हैं। अदर देन दैट कोई भी इनके गैंग्लियन होता है उसमें कोई रिलेशन नहीं होता। तो अब ये जेनिकुलेट गैंग्लियन है तो ये इसमें रिले नहीं करेंगे, दे आर प्री गैंग्लियन है। क्यों इनकी गैंग्लियन डिफरेंट जगहों पे है, तो ये कौन से होंगे? प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होंगे। अभी जैसे ही पैरासिम्पेथेटिक ये जो सुपीरियर सलाइवेटरी से आ रहे हैं, ये सलाइवेशन की भी और लैक्रिमेशन की भी है। लैक्रिमेशन को यहाँ पे जाना है, सलाइवेशन को माउथ में आना है, तो यहाँ पे लैक्रिमेशन के अलग हो जाएंगे और सलाइवेशन के अलग हो जाएंगे। अच्छा, लैक्रिमल के जैसे ही अलग होंगे दे विल एग्जिट एंड विल इंटर इनटू द मिडल क्रैनियल फॉसा। ठीक है, अब मिडल क्रैनियल फॉसा में एक वो होता है, जैसे एग्जिट होकर मिडिल क्रैनियल फॉसा में जाएंगे तो हमको उसको कहते हैं ग्रेटर पेट्रूजल नर्व। ठीक है, ग्रेटर पेट्रूजल नर्व कहेंगे। अच्छा, इसके बाद जो ये नर्व है इट विल एग्जिट फ्रॉम द मिडल ईयर कैविटी एंड विल ट्राई टू इंटर, विल नॉट ट्राई टू इंटर बट इट विल इंटर इनटू द ट्रिगो पैलेटाइन गैंग्लियन। कैसे कि फर्स्ट करें, ये फोरामेन लेसरम है, ये जो फोरामेन है ये फोरामेन लेसरम है, इसके साथ एक कोर इनकी कैनाल सी बनी होती है। ठीक है, और यहाँ पे होता है टीरिगो पैलेटाइन फोसा, तो ये है कैनाल टू टीरिगोइड फोसा। ठीक है, और ये लेफ्ट फोरामेन लेसरम है, तो ये जैसे ग्रेटर पेट्रूजल नर्व यहाँ पे ऐसे आएगी इट विल इंटर इन टू दिस टीरिगो पैलेटाइन फोसा। बट ये ग्रेटर पेट्रूजल नर्व का एक और भी साथी होगा, जहाँ ये वो कौन सा साथी होगा कि यहाँ से हमारे पास आ रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, एक क्लियर स्केच सा बना देती हूँ। जिसल सपोज कि ये जो है हमारे पास मिडल क्रैनियल फॉसा और ये एंटीरियर क्रैनियल फॉसा। ठीक है, और यहाँ पे है ये ऑर्बिट हो गया और यहाँ पे टीरिगोइड के नाल बन गया। ठीक है, टीरिगो पैलेटाइन फॉसा बन गया। अब यहाँ पे फोरामेन लेसरम था और ये टीरिगोइड के नाल थी जो कि हमें टीरिगो पैलेटाइन फॉसा में इनके रास्ता बना रही है, और ये फोरामेन लेसरम है। यहाँ से ग्रेटर पेट्रूजल नर्व आएगी और इसमें इंटर होगी, बट ये अकेली इंटर नहीं होगी कि यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आएगी और उसके इर्द गिर्द प्लेक्सेस बने होंगे। ठीक है, और वो कौन से फाइबर्स होंगे? ये सिंपथेटिक फाइबर्स होंगे जो हमारे पास सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है उससे पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकलते हैं एंड दे विल फॉर्म अ प्लेक्सेस अराउंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और वहाँ से एक अब मेजर जो नर्व बनेगी वो कहेंगे डीप पेट्रूजल नर्व। तो ये ग्रेटर पेट्रूजल नर्व एंड डीप पेट्रूजल नर्व कंबाइन टू फॉर्म द नर्व टू टीरिगोइड कैनाल, और ये इसमें इंटर हो जाएंगे। और हमें पता है कि टीरिगोपैराटाइन फोसा में टीरिगोपैराटाइन गैंग्लियन होता है। ठीक है, तो ये जो सिंपथेटिक फाइबर्स है तो ऑलरेडी पोस्ट गैंग्लियन के यहाँ पर तो रिले करेंगे नहीं और ये सिर्फ यहाँ से पास कर जाएंगे, जबकि ये जो है हमने कहा था ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स हैं, ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स यहाँ पर पहले रिले करेंगे। सही है, यहाँ पर जैसे ये रिले करेंगे उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट करें ऑर्बिट में ये लैक्रिमल ग्लैंड है, अब इनको हमें लैक्रिमल ग्लैंड पे पहुँचाना है। तो उसके लिए भी क्या होता है कि यहाँ पे दोबारा से बल्कि यहाँ पे कर देती हूँ कि